क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के अकॉर्डिंग हमको इसका क्लासिफिकेशन करना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताए थे, हम एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल इसके बारे में पढ़ चुके। अब इसको हमको क्या करना है, इसके इसको एंगल को देख के हमको बताना है कि कौन सा एंगल है। अब पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 से 90 तक के एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये बीच वाला देखिए, ये क्या है, 70 डिग्री का है, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद में राइट एंगल। राइट एंगल तो आपको पता ही है, जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। उसके बाद में है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल पता था आपको, 90 से लेके 180 के पहले पहले के एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, तो ये भी हम एंगल को देखकर पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए बी सी नेम द। हमको ये डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, और आपको इसको नेम देना है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसके साइड्स कौन से होते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, ये तीन इसके क्या हो गए, साइड्स हो गए। देन वर्टिक्स, ए वर्टिक ए, वर्टिक बी, वर्टिक सी, और एंगल भी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, ये इसके वर्टिक्स हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब इसके एंगल देखकर हमको क्या करना है, इसको क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल है, जहां जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो मैं आपको इसके दो बताऊंगी, बाकी के आपको ही करना है। देखिए, इसमें ये 30 का एंगल है, 40 का है, बीच वाला कौन सा है, 110। 110 एंगल कौन सा आता है, 90 से 180 के पहले पहले के, मतलब ये 110 किसमें आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल में। अब यहाँ पे बी वाले में देखिए, बीच वाला एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, ये बाकी के आपको ही करके मुझे भेजना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर साइड। अब हमको क्या करना है, इसके साइड्स को देखकर इसे क्लासिफाई करना है। जैसे ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस, सॉरी, सारे साइड्स इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाले में ये दो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाए, दोनों इक्वल है और एक अलग है, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थर्ड वन देखिए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी तीनों अलग है, तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्राइंगल। बस हमें इसे देखकर इसको क्लासिफाई करना था कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ये बाकी के तीन भी आपको आपको करके भेजना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द फॉलोइंग कैन बी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ट्राइंगल। देखिए, ये ट्राइंगल में हमको एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें दो एंगल दिए हैं, थर्ड वन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको थर्ड वन फाइंड कैसे करेंगे, ए और बी वाले एंगल को प्लस कर देंगे, है ना, और उसको जो आंसर आएगा उसको 100। अब दो एंगल्स, तीन एंगल्स का सम क्या होता है, देखिए यहाँ दिखा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। एक ट्राइंगल के सारे जो एंगल है उनका सम होता है 180। तो हम क्या करेंगे, 990 प्लस 40 करेंगे, है ना, तो जो आंसर आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इनमें भी सेम वही होगा। ठीक है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप इन दोनों को ऐड करें और जो आंसर होगा उसको 180 में से माइनस कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने करना है। ठीक है,